नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ अपने जायकेदार स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है। यहाँ हर गली हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई स्टॉल या दुकान मिल जाएगी जो चटपटे खाने की महक से आपको अपनी ओर खींच लेगी। तो आइए देखते हैं दिल्ली की 10 ऐसी मशहूर स्ट्रीट फूड की जगह कौन कौन सी हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह पर भी क्लिक कर दीजिए। आइए ये जायके का सफर शुरू करते हैं चाचे दी हट्टी से। चाचे दी हट्टी अपने गोल मटोल और गर्मा गर्म छोले भटूरे के लिए पूरी दिल्ली में फेमस है। यहाँ पर सादे भटूरे तो मिलते ही हैं, साथ ही आलू भरे हुए भटूरे भी यहाँ की खासियत है। आपको ये छोले भटूरे 50 से 60 रुपए में मिल जाएंगे। चाचे दी हट्टी दिल्ली के कमला नगर में है, और अगर आप मेट्रो से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए या तो येलो लाइन पर स्थित विश्वविद्यालय स्टेशन पर उतर सकते हैं या फिर रेड लाइन पर स्थित फुलबंकश स्टेशन पर। अगली बारी आती है दिल्ली के लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में मौजूद डोलमा आंटी मोमोज की। अगर कोई मोमोज पसंद करता है और वह दिल्ली में रहता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसने डोलमा आंटी के मोमोज के बारे में सुना ना हो। सेंट्रल मार्केट के शोर शराबे के बीच ये नरम और स्वादिष्ट मोमोज खाने का अपना मजा है। यहाँ पर 50 से 100 रुपए के बीच में आपको वेजिटेरियन, पनीर और नॉनवेज मोमोज की फुल प्लेट मिल जाएगी। दिल्ली मेट्रो से यहाँ पहुँचने के लिए आप यहाँ पिंक लाइन और वायलेट लाइन पर स्थित लाजपत नगर स्टेशन पर उतरे। आइए अब रुक करते हैं नई दिल्ली के मानसिंह रोड की तरफ और चलते हैं श्री प्रभु चाट भंडार पर। ये दुकान अपने तीखे गोलगप्पे और चटपटी टिक्की के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तेज से तेज जुबान और बातूनी लड़कियों के मुंह बंद हो जाते हैं। अरे भाई, मुंह में गोलगप्पे जो भरे होते हैं। चाट में आपको यहाँ आलू टिक्की, भल्ला चाट और पापड़ी चाट भी मिल जाएगी। सारे आइटम्स 30 रुपए से 70 रुपए के बीच हैं। मेट्रो से पहुंचने के लिए आप वायलेट लाइन पर बने खान मार्केट स्टेशन पर उतरेगा। अगर आप हैं पाव भाजी के दीवाने तो आपको अगली जगह यकीनन पसंद आएगी। मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा नगर में स्थित कुमार पाव भाजी कॉर्नर की। यहाँ आपको मस्त मुंबईया स्वाद वाली पाव भाजी मिलेगी जिसका स्वाद आप काफी दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर 80 से 120 रुपए के बीच में पाव भाजी, बॉम्बे मसाला पाव और पुलाव मिल जाएगा। कुमार पाव भाजी कॉर्नर का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन का कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन है। अब जब चटपटे स्ट्रीट फूड का जिक्र हो रहा है तो भला कचौड़ी को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। नई दिल्ली में सबसे अच्छी कचौड़ी खानी हो तो आपको चांदनी चौक की तंग गलियों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन भीड़ भाड़ से जूझने के बाद जब आप जंग बहादुर कचौड़ी वाले के यहाँ पहुंचेंगे तो आपकी सारी जद्दोजहद का फल आपको मिल जाएगा। स्वादिष्ट कचौड़ियाँ यहाँ पर 40 रुपए में 2 कचौड़ियाँ मिलती हैं। लेकिन हमें यकीन है आप एक प्लेट खाने के बाद एक प्लेट कचौड़ी और जरूर खाएंगे। आप यहाँ पहुंचने के लिए येलो लाइन के चांदनी चौक स्टेशन पर उतर सकते हैं। आइए अब चांदनी चौक की तंग गलियों से हटकर चलते हैं दिल्ली का दिल माने जाने वाले कैनॉट प्लेस की तरफ। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों से घिरे कस्तूरबा गांधी मार्ग में सूर्य किरण बिल्डिंग के सामने बना हुआ है एक छोटा सा आलू चाट का स्टॉल। लेकिन हुजूर, इस छोटे से स्टॉल से भ्रमित ना होइए, क्योंकि यहाँ कई नामी गिरामी हस्तियाँ आलू चाट खा चुकी हैं, जिसके बारे में आप यहाँ लगे अखबारों की कटिंग से जान जाएंगे। पप्पू चाट भंडार में आलू चाट के साथ साथ फ्रूट चाट और जूसेस भी मिलते हैं जो 40 रुपए से 80 रुपए की रेंज में है। पप्पू चाट भंडार से सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है वायलेट लाइन का जनपथ और ब्लू लाइन का बाराखंबा मेट्रो स्टेशन। चावल हम भारतीयों के खाने का एक अहम हिस्सा है, और अगर चावल से जुड़े स्ट्रीट फूड का ऑप्शन ना पेश किया जाए तो यह इस वीडियो के साथ नाइंसाफी होगी। चावल के शौकीन कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, शाही पनीर चावल जैसे अनेकों वैरायटी के खाना खाने के लिए सीपी में बी ब्लॉक में स्थित जैन चावल वाले के यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर हर रोज हजारों लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए आते हैं। यहाँ पर 70 रुपए से लेकर 100 रुपए में आपको चावल से जुड़ी डिशेज मिल जाएंगी। यहाँ पर आप ब्लू लाइन और येलो लाइन पर बने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन द्वारा पहुंच सकते हैं। भाई, खाना तो खा लिया हमने, अब जरा कुछ पी भी लिया जाए।
तो आइए अब आपको दिल्ली के करोल बाग में लस्सी पिलवाते हैं। करोल बाग की शॉपिंग मार्केट के गलियारों में बनी हुई है हरियाणा लस्सी की दुकान। यूं तो यहाँ खान पान के और भी विकल्प हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ की लस्सी फेमस है। कुल्हड़ में मिलने वाली मीठी और नमकीन लस्सी आपका दिल चुरा लेगी। इस दिलकश लस्सी के लिए आपको चुकाने होंगे 50 रुपये। यहाँ पर पहुंचने के लिए ब्लू लाइन पर बने करोल बाग मेट्रो स्टेशन उतरिएगा। खाना भी खा लिया हमने और लस्सी भी पी ली, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा, तो चलिए कुछ मीठा खाया जाए। तो आइए खाते हैं रोशन दी कुल्फी। रोशन दी कुल्फी पूरे दिल्ली में एक चर्चित नाम है, क्योंकि इसकी कुल्फी को शायद ही कोई मना करेगा। यहाँ जाकर आप यहाँ की केसर बादाम पिस्ता वाली कुल्फी जरूर खाइएगा। एक बार यहाँ कुल्फी खाने पर आपका फिर से दोबारा यहाँ आने का मन जरूर करेगा। यहाँ पर कुल्फी के पान फलूदा कुल्फी, मैंगो कुल्फी, शुगर फ्री कुल्फी और चॉकलेट कुल्फी जैसे विकल्प मौजूद हैं, जो 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में उपलब्ध हैं। इस जगह पहुंचने के लिए भी आपको करोल बाग मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। पेट पूजा तो पूरी तरह से हमने कर ली, अब थोड़ी मिठास अपनी जुबान पर कैद कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैनॉट प्लेस में स्थित ओडियन सिनेमा हॉल के सामने बने ओडियन शुक्ला पान स्टॉल पर। अपने पान के लिए मशहूर इस स्टॉल पर अनेकों वैरायटी के पान मिलते हैं। यहाँ पर मीठा पान तो मिलता ही है, साथ में आग में लिपटा हुआ फायर पान भी मिलता है, जिसको अगर आप खाएंगे तो आप किसी जादूगर से कम नहीं लगेंगे। पान के दाम यहाँ 40 रुपये से शुरू होते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए येलो और ब्लू लाइन पर स्थित राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उतरें। आपको कौन सा स्ट्रीट फूड सबसे अच्छा लगता है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर दी गई मेरी अन्य वीडियोस भी ज़रूर देखें, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी।